नागपुरातील कचऱ्याची समस्या कमी करण्यासाठी व नागपूर शहराला स्वच्छ व सुंदर बनवण्यासाठी दोन कंपन्यांची नियुक्ती कचरा संकलनासाठी करण्यात आली आहे. मात्र असे असून सुद्धा नागपुरात ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढीग दिसून येत आहे. रस्त्याच्या बाजूला फ्लायओव्हर खाली तसेच अनेक सार्वजनिक स्थळांवर हे कचऱ्याचे ढीग दिसून येत आहेत. नागपुरातील कचरा ही आता मोठी समस्या झाली असून या समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी नागपूर सिटीजन फोरमने महापौर दयाशंकर तिवारी व आयुक्त राधाकृष्णन बी यांचे मुखवटे शहरातील काही कचऱ्याच्या ढिगांचं सांकेतिक उद्घाटन केले. प्रदर्शनकर्त्यांनी म्हटले की नागपूर शहराला डस्टबिन फ्री सिटी बनवायची संकल्पना पूर्णतः फेल झाली आहे. शहरात अस्वच्छता व दुर्गंधीचं साम्राज्य पसरलं असून नागपूरवासियांच्या प्रकृतीशी हेळसांड सुरू आहे. सिटीजन फोरमच्या वतीनं रविवारी पश्चिम नागपूर येथील पोलीस लाईन्स टाकळी, उत्तर नागपुरातील राणी दुर्गावती नगर, मध्य नागपुरातील रेल्वे स्टेशन व कॉटन मार्केट परिसरात प्रकारात्मकरित्या आंदोलन करण्यात आले. यावेळी फोरमच्या वतीने शहरातील 75 कचऱ्याच्या जागांचा शोध घेऊन त्याचं उद्घाटन करण्यात आलं. तसेच ज्या ज्या ठिकाणी हा कचरा दिसेल त्या त्या ठिकाणाला पदाधिकारी अधिकारी व नगरसेवकांचं नाव देण्यात येईल असंही फोरमच्या वतीने सांगण्यात आलं. शहर में ऐसे कई बस्तियां हैं, कई मोहल्ले हैं, कई कॉलोनीज हैं जहां के मुख्य सार्वजनिक जगहों पर डंपिंग यार्ड बन चुका है और इन डंपिंग यार्ड के कारण वहां के जो नागरिक हैं वो त्रस्त हो चुके हैं. उनके स्वास्थ्य संबंधित तकलीफें बढ़ रही है और आज हमने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर वहाँ मुआयना किया और करीब 75 स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए जहाँ पर रोजाना कचरों को डंप किया जाता है. और इसका मुख्य कारण यह निकला कि नागपुर महानगर पालिका ने शहर को बिन फ्री सिटी करने का निर्णय लिया, लेकिन यह देखने को मिला कि स्पॉट से डस्टबिन को तो हटा दिया गया, लेकिन जो एक प्रक्रिया रहती है कि कचरों को डंप करने के लिए जो जगह होनी चाहिए वो कभी भी कॉलोनीज और मोहल्लों के बीच में नहीं होनी चाहिए, लेकिन लगातार नागपुर महानगरपालिका के लोग और वहाँ के जो आस पड़ोस में रहने वाले लोग हैं उन्हें मजबूरन सार्वजनिक स्थलों पर इन कचरों के ढीग को जमा करना पड़ता है और इसके परिणाम स्वरूप लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. और आज नागपुर सिटीजन फोरम के माध्यम से प्रतीकात्मक तौर पर हमने शहर की विभिन्न जगहों पर जाकर इस कचरों के ढीग का अनावरण किया. महापौर जी और आयुक्त महोदय को इस कचरों के ढीग के प्रति में जो एक असंवेदनशीलता है और जिस प्रकार से शहर में दिन प्रतिदिन कचरों की समस्या बढ़ते जा रही है उसे हम बताने का और आने वाले दिनों में इसी प्रकार नागपुर सिटीजन फोरम शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जहाँ जहाँ पे सार्वजनिक स्थलों पर कचरों का ढीग पड़ा है वो हम बताने का प्रयास करेंगे. धन्यवाद.